हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज एंशंट हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये क्वेश्चन आंसर का दूसरा टॉपिक है, दूसरा वीडियोस है, तो आइए डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए है। कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो प्राचीन उपलब्धता के साक्ष्य मतलब कहाँ कहाँ ये मिलते हैं? क्या हड़प्पा में है, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति यानी कि हड़प्पा से पहले की संस्कृति में, या वैदिक हड़प्पा के बाद वाली संस्कृति में, या चांदी सिर्फ आहत सिक्कों में ही मिलती है, यानी जो चांदी के सिक्के थी आहत सिर्फ उसे ही मिलती है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। देखिए, दो जगह भारत में हड़प्पा कालीन नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ये वाणिज्य व्यापार में बहुत फला फूला था, जिसमें जावर नामक स्थान, जावर और अजमेर, जावर और अजमेर ये दोनों राजस्थान में है। यहां की खान से हड़प्पा वासी चांदी निकाला करते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी चांदी जो मंगवाया जाता था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान था, यानी अफगानिस्तान और ईरान से भी हड़प्पा वासी चांदी मंगवाते थे। तो इन दोनों से क्या बहुत मात्रा में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंगों का उपयोग होता था? तो यहां पे याद रख लीजिए कि हड़प्पा में किस रंग का उपयोग होता था, मृदभांडों पर बनाया जाता था, लाल रंग का यहां पे उपयोग होता था। देखिए, कहता है हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, बहुत ज्यादा मृदभांड बनाया करते थे, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या आपको समझना है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चला हुआ जो चाक होता था उसका प्रयोग किया था, यानी चाक चलाने के लिए वो लोग पैर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब हड़प्पा का तीन काल था, एक था प्राक हड़प्पा, दूसरा मध्य हड़प्पा और तीसरा परिपक्व हड़प्पा। लेकिन परिपक्व हड़प्पा में लोग हाथ से चाक चलाना का प्रारंभ किया। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को भी दो भागों में बांटा गया। यहां पे इस प्रकार से डिजाइन के आधार पर दो भाग के बर्तन बनाए, ठीक है ना? एक भाग में क्या किया, यानी दो प्रकार के मृदभांड बना, जिसमें मृदभांड बनाने के लिए उन्होंने मिश्रित रेत किया, यानी मिट्टी में रेत को मिलाया, ठीक है, जिससे सूखने पर यह थोड़ा सा भूरे लाल रंग का रूप ले लेता था, ठीक है ना? पकाने के बाद जब यह सूखता था, रेत मिला हुआ मिट्टी, तो कैसा रंग, लाल रेत भूरा हो जाता था, ठीक है, जिससे क्या होती थी, और उसके जो ऊपर वाला भाग में लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले वाले भाग से में काले रंग की पुताई की जाती थी। तो इस प्रकार से हम ये ऑप्शन के लाल सही करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा स्टार्टिंग से ही था, यानी हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति पूजा को माना जाता था। उत्तर वैदिक सभ्यता बाद वाली सभ्यता है, मौर्य सभ्यता बाद वाली सभ्यता, कुषाण सभ्यता बाद, लेकिन ये पूर्व आर्य यानी सप्त संदर्भ सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना? कहा जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ का काल पूर्व आर्यों से माना जाता है। संदर्भ सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का मंदिर मिलने का कोई भी साक्ष्य नहीं था, यहाँ पे मंदिर नहीं मिला। इसके उदाहरण के तौर पर यह देखा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो नामक स्थान पे एक प्राप्त मुहर पर अंकित जो मुहर था उस पर देवी प्रतिमाओं के साथ अनेक पुरातात्विक स्थान मिले हैं, ठीक है ना? मुहर पर भी देवी देवताओं का यहाँ पे चित्रांकन किया जाता था। तो हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ सप्त यानी कि पूर्व आर्य से था, सिंधु घाटी सभ्यता से था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस का एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरा मुहरा या टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं हुआ है? यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी मुद्रा पर जो कि किसी प्रकार के जानवर का उल्लेख नहीं हुआ है, या फिर टेराकोटा अर्थात मिट्टी के जो बर्तन बने हुए हैं मृदभांड, वहां पे किसी प्रकार का, ठीक है ना, ये इन पशुओं का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसे हम देखते हैं, सप्त संदर्भ प्रदेश में क्या मिला था, एक आदसीप यानी एक टेराकोटा ऐसा मिला, ठीक है। मुहर में तो क्या मिल रहा था, हमेशा कोई जानवर एक सिंह वाला, ऐसे गंडा का भी यहाँ पे दिखाया गया था, ये मोहनजोदड़ो फिल्म में भी देखे होंगे। तो मुहर पर हाथी का इस सब का गंडा का नहीं, एक गंडा का एक बार फिगर देखने को मिला।
लेकिन टेराकोटा पर मूर्तियां की जो कलाकृति थी जिसमें एक आध शिव को दिखाया गया था, इसके सिर पर तीन सिंह था, बाईं ओर गैंडा और भैंसा था, दाईं ओर हाथी हिरण और बाघ था, लेकिन कहीं भी गाय का जिक्र नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्संधा प्रदेश में गाय का निरूपण कहीं मुहरों पर या टेराकोटा पर नहीं हुआ है। गाय का महत्व सबसे ज्यादा वैदिक काल में था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पे दो सूची दिया हुआ है, पहला सूची को दूसरे सूची से मैच करवाना है, और नीचे दिया हुआ कूट है। देखिए यहां पे कूट दिया हुआ है, तो इस कूट में फिल करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले ये क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए। तो देखिए क्वेश्चन बनाइए, इसको कहता है कि लोथल, लोथल के बारे में आपने क्या देखा था, ये गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट या अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। यहां से क्या मिला, तो यहां से गोदीवाड़ा मिला। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, डॉकयार्ड, बंदरगाह। ठीक है, यहां क्या मिला, बंदरगाह। कालीबंगन कहाँ है, तो कालीबंगन जो कालीबंगा है राजस्थान के गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर में, गंगानगर। ठीक है, यहां जुताई हुआ खेत मिला था, यहां क्या मिला, जुता हुआ खेत, लोथल से गोदीवाड़ा। और बनवाली से क्या मिला, पक्की मिट्टों का बना हल, यानी यहां पे हल बनाया हुआ था पक्की मिट्टों का। बनवाली कहाँ है, बनवाली रंगोई नदी किनारे है ना, बनवाली रंगोई नदी, कौन सा नदी, रंगोई नदी। ठीक है ना, बनवाली रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहां से क्या मिला, पक्की मिट्टी का बना हुआ हल। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है, यहां मिला हड़प्पन लिपि का बड़े आकार वाले 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला था। तो आप देखिए इस कूट को देखिए, एक आंसर दो है, एक आंसर दो इसमें है और इसमें है, यानी कि ये दोनों गलत हो गया। अब बी का आंसर एक, बी का आंसर एक यहां भी है, एक यहां भी है, अगला देखना पड़ेगा। सी का आंसर चार, सी का आंसर क्या मिल रहा है, चार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहता एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल में। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कांसे की नृत्य नारी की मूर्ति मिला, पुजारी की मूर्ति मिला, और मुद्रा पर पशुपतिनाथ अंकित मिला। ठीक है, कालीबंगन से क्या क्या मिला था, तो जूते हुए खेत, हवन कुंड, हल का निशान, अलंकृत ईटों का प्रयोग, और घर के निर्माण में कच्चे ईटों का प्रयोग, ये सब मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। हड़प्पा से क्या क्या मिला, तो हड़प्पा से एक बर्तन पर बना हुआ शंख, बर्तन मछुआरे का चित्र मिला, शंख का बना बैल मिला, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, ईटों का वृत्ताकार चबूतरे मिला, गेहूं और जौ के दाने मिले। लोथल से क्या मिला, सबसे वीवीआई पॉइंट रहता है लोथल से, बंदरगाह यानी डॉकयार्ड, चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला, तीन युगल समाधि और मृदुभांड यहां से प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगन। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान के लरकाना नामक स्थान पे मोहनजोदड़ो मिला। और ये सिंध प्रांत में, कौन सा प्रांत में, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन कहा है, तो ये भारत के राजस्थान, भारत के राजस्थान, ये डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, या कहीं कहीं एक जगह और मिल जाता है हनुमान गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़ या गंगानगर, यहां कालीबंगन। ठीक है, हड़प्पा ये घग्घर नदी के किनारे है, किस नदी किनारे, घग्घर। ठीक है ना, हड़प्पा कहां मिला, तो ये भी पाकिस्तान में, ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, मोंटगोमरी, ये रावी नदी के बाईं ओर, रावी नदी के बाईं ओर, लोथल, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात, अहमदाबाद भारत के अहमदाबाद। ठीक है ना, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, यहां से डॉकयार्ड मिला था, सबसे वीवीआई है। और ठीक है, लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे, कोड बनाया गया था लाभ या लोभ, तो
ये हो गया भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो सूची दिया हुआ है, सूची वन को सूची दो से मिलाना है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, हस्तिनापुर किस नदी किनारे है, नागार्जुन कोंडा किस नदी किनारे है, पैठन किस नदी किनारे है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए और नीचे दिया गया कुट में सही टिक लगाइए। देखिए यहाँ पे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा किसके किनारे है तो रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे और पैठन गोदावरी नदी किनारे, ठीक है। तो इस प्रकार कूट में इसको भरते हैं, एक का आंसर क्या आ रहा है दो, एक का आंसर दो, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। इसके अलावा तो मिला ही नहीं तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, है ना। यानी कि अगर तीन पता भी नहीं होता तो ये क्वेश्चन हम लोग बना लेते। और ये उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस स्पेशल का मेंस का एग्जाम होता है 2008 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट लेक्चर नहीं देखे होंगे इसका थ्योरी का लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता का, तो अगर ये थ्योरी का लेक्चर, दो लेक्चर बनाया गया 15 या 20 मिनट का दो लेक्चर है, उस लेक्चर को आप ध्यान पूर्वक देख लें तो लगभग लगभग क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दो सूची दी गई है, एक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है और दूसरा उस स्थल कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है उसके बारे में, ठीक है ना। तो हड़प्पा किसके किनारे, कालीबंगन लोथर रोपड़, इधर नदी है भोगवा घग्घर रावी सतलज, और कुट दिया हुआ है, इस कुट को सही आंसर कीजिए। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान। लोथल गुजरात। रोपड़ सतलज, यानी रोपड़ हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो अब आप देखिए रावी हड़प्पा है, ठीक है ना, यानी हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगन घग्घर। तो हड़प्पा किसके किनारे, रावी नदी, कालीबंगन घग्घर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज, यानी एक आंसर तीन आया, एक आंसर तीन ये दोनों है, लेकिन ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे लोथल सी, सी का भोगवा, सी का एक, तो सी का एक भी दोनों में है, बी देख लीजिए, कालीबंगन का घघर, यानी बी का दो, बी का दो ये है, तो इसके बारे में सोचेंगे नहीं, ये सही, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट। सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा लोथल कालीबंगन, ठीक है ना, आंसर फटाफट दीजिए। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो से क्या क्या स्थान क्या क्या मिला, तो स्नानागार मिला और हमारा क्वेश्चन भी था स्नानागार, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे अन्नागार भी मिला, काशिक नृत्य नारी की मूर्ति मिली, पुजारी की मूर्ति मिली, गेहूं और जौ के दाने मिले, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। सारा क्वेश्चन का आंसर भी मैं बतला दे रहा हूँ। हड़प्पा से क्या क्या मिला, एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने। लोथल से क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड मिला, यहां से धान मिला, यहां से समाधि मिला और मृदभांड मिला, ठीक है ना। कालीबंगन काली चूड़ियां, यानी काली चूड़ियों वाला ये घर कहा जाता है कालीबंगन को, तो जूते हुए खेत वीवीआई क्वेश्चन है और अलंकृत ईंटों का प्रयोग, ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है। हल का निशान, तो ये सब दो चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो बिल्कुल सही है कि नगरियों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का तो बहुत ही अच्छा उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना मिलता है, मातृदेवी के यहाँ पे बहुत से फोटो मूर्तियां है ना मिलती है, जैसे हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया, मोहनजोदड़ो से काश की नृत्य मात्रा मुद्रा में एक नारी का मूर्ति दिखाया गया, लेकिन ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन क्या हुआ, डी इज करेक्ट। देखिए ये लोग सोना से परिचित थे, तांबा राजस्थान के खेतरी नामक स्थान से भी ये तांबा आता था, ठीक है ना, यानी यहां से अगर देश विदेश के साथ में अगर व्यापार हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ ईरान की तरफ, तो यहां अधिक से अधिक चीज मिलती थी, लेकिन लोहा का कभी जिक्र नहीं किया गया। लोहा का आविष्कार के बारे में कहा जाता है 1000 ईसा पूर्व लोहा का आविष्कार हुआ, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता ऋग सभ्यता के प्रारंभ में या उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रारंभ में लोहे का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट।